जय श्री कृष्णा एंड नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि हमने पैर में खुजलाने का मतलब क्या होता है, इस टॉपिक पर बात करेंगे। हमेशा एक चीज पहले ही बता दूं, ये याद रखिएगा कि अगर आप स्त्री हैं तो आपके वाय अंग शुभ फल देते हैं और आप पुरुष हैं तो आपके दाहिने अंग शुभ फल देते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे इस चैनल पर 2 कॉपीराइट स्ट्राइक ऑलरेडी आ चुके हैं और YouTube इस चैनल को कभी भी बंद कर सकता है 3rd कॉपीराइट आने तक। तो इसलिए आप मेरे दूसरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम लोग संपर्क में बने रहे। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। दोस्तों, यूनिवर्स को हमेशा धन्यवाद दें कि यूनिवर्स हमारे भविष्य में होने वाली घटनाओं का पहले से ही किसी न किसी माध्यम से हमें मैसेज देता ही रहता है। अंगों का खुजलाना या फड़कना भी उनमें से एक मैसेज है। अगर आपके दाहिने पैर में खुजली होती है तो आपके लिए भविष्य का क्या मैसेज लेकर आया है, आइए जानते हैं। तो आप अगर पुरुष हैं और आपकी आपका दाहिना पैर का तलवा खुजला रहा है तो ये हिंदू धर्म शास्त्र के अनुसार आपको बहुत शुभ फल देने वाला होता है। आपका जब भी कभी भी तलवा खुजलाता है तो 2 कंडीशन होती है। एक तो साइंटिफिक कि कहीं आपके कोई एलर्जी या कोई स्किन प्रॉब्लम तो नहीं है जिसकी वजह से आपका तलवा खुजलाने लगा है। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है लेकिन उसके बावजूद आपका कभी कभी तलवा खुजलाने लगता है और आपका अभी फिलहाल में 2-3 दिन से अगर लगातार खुजला रहा है तो इसका संभावना है कि यात्रा के योग बनने वाले हैं और ये योग और ये यात्रा सुफल देने वाली रहेगी। आपको ये सुफल देगी। सुफल क्या कि आप सबसे पहले आप बहुत ही महत्वपूर्ण काम से घर से निकलेंगे और वो काम आपका सक्सेसफुल होगा। आप सफलता हासिल करेंगे, धन ऐश्वर्य आपके कारोबार में तरक्की होगी जो यात्रा करेंगे उसकी वजह से। मतलब कि ये कि आप किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ही यात्रा करेंगे और वो टारगेट आपका पूरा होगा, तो ये आपके लिए सुफल देने वाला है। दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। जय श्री कृष्ण।